12 तारीख को स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी मनाई जाएगी, जिसको लेकर चिराग पासवान तमाम नेताओं को आमंत्रण दे रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब तक उन्हें समय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर चिराग लगातार सवाल भी उठाते हैं। और अब इस बीच बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने चिराग पासवान पर कई बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म में फ्लॉप हो चुके हैं, पिता के नहीं रहने के बाद पार्टी भी टूट गई है, क्या वजूद है आखिर चिराग पासवान का? आप सुनिए क्या कुछ कहा सुमित सिंह। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तता होती है, मुख्यमंत्री अपने व्यस्त समय में जिसको समय देना रहता है, जिनको जरूरत समझते हैं बिल्कुल समय देते हैं, और समय देने की बात क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, देखते हैं अब हर किसी से, जनता दर्शन जनता दरबार के कार्यक्रम में हर किसी से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, उनसे तो कोई भी मिल सकता है मुख्यमंत्री से, हम आप कोई जो चाहें, आप वहाँ पे एक आवेदन दे के वहाँ पे उनसे मुलाकात हो सकती है, जिले में आवेदन दे के उनसे मुलाकात हो सकती है, ये तो सांसद हैं, मिलने का एक तौर तरीका होता है, ये भी अपने तौर तरीका से जाएं, बिल्कुल इनसे भी मिलेंगे। जो चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आपको आमंत्रण आया है क्या? हम उनके क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि वो हमारे जिले के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो तो बाहरी है, परजीवी है, वो आया हमारे यहाँ के, हम उसके यहाँ गए हैं, वो आया हमारे यहाँ, हम उनके क्षेत्र से कहे बिलोंग करेंगे, ऐसा बात करते हैं, वो हमारे गांव घर से बिलोंग करते हैं, वो आए हैं उड़ के हमारे यहाँ हवा हवाई। तो क्या कुछ आमंत्रण आया है रामविलास पासवान की बरसी जो मनाई जा रही है? आमंत्रण आया है, आते वो खुद तो सोचा जाता है उसमें, उन्होंने आमंत्रण भिजवाया किसी से, ठीक। अच्छा, नीतीश कुमार को भी तक नहीं मिला है, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे कुछ पार्टी की तरफ से कुछ? देखिए, नीतीश जी हमारे नेता हैं, वो अब जो करेंगे सारे चीज़ को वो सोच समझ के और बिहार के हित के बारे में वो सोच के कोई काम करते हैं, उनको जो उचित लगे वो काम वो करेंगे। अच्छा, बीते दिन आपने एक बयान दिया था कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है, कौन जानता है, अब वो खुद चिराग पासवान भी इस पूरे मामले पर टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी, कहते उनको कौन जानता है सुमित सिंह को? उनका कहना सही है कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन जो पहचान मेरी बनी है ये मेरी खुद की पहचान है, उनके पूज्य पिताजी जो इंटरनेशनल नेता हुआ करते थे उनकी वजह से उनको ये पहचान मिली थी, एक बार तो पहचान उनको दिलवाया गया था फिल्म लाइन में, फिल्म सिटी में, वहाँ भी तो पिट के फ्लॉप होके आ गए, अब बचे राजनीति में, पिताजी नहीं है, मृत्युपरांत हमने पहले ही कहा था कि फ्लॉप हो जाएंगे, यहाँ भी फ्लॉप हो गए, आज उनके पिताजी के मृत्युपरांत ही देख लीजिए ना कितना दिन हुआ, साल नहीं पूरा हुआ, अभी पुण्यतिथि है कल, अब पुण्यतिथि से पहले ही पूरा पार्टी से लेकर परिवार बिखर गया उनका, कुछ नहीं बचा है, तो क्या उनके पास विचारधारा रहेगा, क्या उनके पास नीति है, आप खुद बताइए, खुद युवा हैं आप खुद हम आपसे पूछते हैं। तो आपने सुना सुमित सिंह को, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और जमुई के तो आपने सुना सुमित सिंह को, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर चिराग पासवान को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि फिल्म में मौका मिला तो वहां फ्लॉप हो गए, पिता नहीं रहे तो परिवार टूट गया, अब आने वाले समय में क्या करेंगे आखिर चिराग पासवान। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।